नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मिनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए कैसी आपको बाइक लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फ्रेम जो लगभग इस तरह जो तैयार हो चुका है, देख सकते हैं चेचिस लगभग इस तरह हमारी जो दिखेगी। पीछे हमारा फोर्क लगाना बाकी है, तो चलिए पहले उसको लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पीछे का फोर्क है, तो यहाँ पे हमारा जो हब मोटर है फिट होगा। तो आप इस तरह जो है इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट है, यहाँ पे हमारा हब मोटर आएगा, यहाँ पे एक होल भी है यहाँ पे हब मोटर को टाइट करने के लिए, जिससे घूमेगा नहीं। ये हमारा दो यहाँ पे शॉकअप को रखने के लिए, यहाँ पे नीचे लगा के नट टाइट करने के लिए, ठीक है। ये दो चीज़ शॉकअप के लगाए, तो इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरह जो है रेडी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फ्रंट में शॉकअप लगाने के लिए यहाँ पे स्कूटर का शॉकअप लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह जो है यहाँ पे वर्क करता है, देख सकते हैं। तो अभी जो है इसको मैं फ्रंट में फिट करने वाला हूँ, तो आगे भी जो हमारा 10 इंच का स्कूटर का व्हील लगेगा, ठीक है।
शायद इसलिए आप मैंने 10 इंच का रिम लिया है, जो नॉर्मली हमारे एक्टिवा हो गया या फिर सुजुकी हो गया, सभी स्कूटर में जो है 10 इंच का आता है। तो ये जो रिम है जो आप कोई भी स्कूटर का लगा सकते हैं। तो आगे पीछे यहाँ पे मैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मैंने यहाँ पे प्लेट जो है डिस्क ब्रेक का इंस्टॉल कर दिया है। तो चलिए पहले इसको आगे फिट कर देते हैं, उसके बाद मैं पीछे का हब मोटर कैसे फिट करना वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फुटरेस लिया है जो मैं आगे रखने वाला हूँ, पैर रखने के लिए फुटरेस का यूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने एक्सल लिया है, तो यहाँ पे मैंने होल किया है, तो ये एक्सल में अंदर डाल के टाइट करिए, ये फुटरेस जो है इसके अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्कूटर का हैंडल लिया हुआ है, तो ये स्कूटर से मैंने निकाला हुआ है, कोई पुरानी स्कूटर से देख सकते हैं इस तरह। तो इसको थोड़ा मैंने साफ सुफ कर दिया है, तब इसको यहाँ पे जो मैं लगा के टाइट करने वाला हूँ।
सीट बना उसका फोटो नहीं आना चाहिए। अरे यार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, तो ये बॉक्स के अंदर हमारा जो कंट्रोलर है वो सब इसके अंदर आएगा, वायरिंग वायरिंग सारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह जो ये हमारा कंट्रोलर और ये हमारा कन्वर्टर है। तो कन्वर्टर क्या होगा, जो हमारी बैटरी जो है 48 वोल्ट की है, तो लेकिन जो हमारा इंडिकेटर हो गया, हेडलाइट हो गया, ऑन हो गया, फिर ये सब जो है 12 वोल्ट से चलेगा। तो ये जो है कन्वर्टर जो है 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारी इंडिकेटर, हेडलाइट और हॉर्न जो है चलेगा। तो ये फिलहाल अभी मैं इसके अंदर फिट करके वायरिंग करने वाला हूँ। तो चलो पहले वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिथियम आयन बैटरी ली है जो 48 वोल्ट 25 एम्पीयर की बैटरी है। तो ये लगभग हमको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज दे देगी। और ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चार्जर है जो 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का लिथियम आयन चार्जर है। ठीक है, तो चलिए अभी बैटरी जो हमारा अगर फिक्स कर देते हैं, उसके बाद आपको चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीछे का स्टॉप लाइट हो गया, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट हो गया। तो कभी भी हमको चार्जिंग करना होगा तो यहाँ पे जो हम पिन डाल के चार्जिंग कर सकते हैं। Like a Hellcat. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रिज पे चढ़ रहे हैं लगभग। तो यहाँ पे स्पीड भी जो हमको लगभग मीटर पे 37-38 समथिंग जो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे हमारा वीडियो जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो वायरिंग का और इस प्रोडक्ट की डिटेल का ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इसमें हमको रेंज कितना मिलता है, तो यहाँ पे जो मैंने 48 वोल्ट 30 एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरी यूज़ की, जो प्लेन रोड पे हमको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज दे देती है। बैटरी व्हीकल के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, तो ये मेरी नीचे ईमेल आईडी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो मेरी ईमेल आईडी पे आप उसे बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि नया साल आ रहा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।